हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आप नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप बिल्कुल आसानी के साथ एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फ्रेंड, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आ जाना है अपने आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद फ्रेंड, आपको नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को टाइप कर लेना है, www.npuunivi.in। टाइप करने के बाद फ्रेंड, आप इसको सिंपल सर्च कर लेंगे। अगर आप टाइप करना नहीं चाहते हैं फ्रेंड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके यहां पर पहुंच सकते हैं। तो सिंपल आपको ऊपर वाले वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, www.npuunivi.in, इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक रिजल्ट, दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म और नीचे में एडमिट कार्ड। तो आपको सिंपल एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, आप देख सकते हैं पीजी सेमेस्टर 1 और 3 और नीचे में देख सकते हैं यूजी सेमेस्टर 1 और 3। तो सिंपल आपको यूजी सेमेस्टर 1 और 3 के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, अगर आपके पास पहले कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड होगा, और अगर नहीं किए हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट, तो सिंपल इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड, ये देखिए ऊपर में एक बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको फुल नेम इंटर करना है, ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर फुल नेम आपको इंटर कर देना है। नीचे यूजर नेम आपको बना लेना है फ्रेंड। तो आप यूजर नेम किस प्रकार बनाएंगे चलिए बता देते हैं। तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं फ्रेंड, आपको अपने नाम और नंबर, पहले आपको नाम लिख लेना है और उसके बाद नंबर, दोनों को कॉम्बिनेशन दोनों को मिलाकर आप यूजर नेम बना लेंगे। उसके बाद नीचे में आपको एक पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड का फॉर्मेट भी आप कुछ इस प्रकार ABCD@123 इस प्रकार आप अपने हिसाब से बना लेंगे फ्रेंड। फिर आपको उसी पासवर्ड को नीचे टाइप कर देना है, रिपीट पासवर्ड। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी देना है नीचे में। नीचे में ईमेल आईडी देने के बाद फ्रेंड, आपको मोबाइल नंबर दे देना है नीचे में। फिर मोबाइल नंबर देने के बाद फ्रेंड, सिंपल आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसे फिल कर लेते हैं, इसके बाद साइन अप करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है फ्रेंड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ हम फिल कर चुके हैं फ्रेंड। तो चलिए साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, प्रोसेसिंग हो रहा है और एक मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है फ्रेंड। तो OTP आ चुका है, ऊपर में आप देख सकते हैं 9529225। इंटर करने के बाद फ्रेंड, सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे
और वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड आपको ऊपर में शो हो रहेगा फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और उसके बाद फ्रेंड आपको अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड। तो चलिए हम सिंपल इसे अपलोड कर देते हैं, तब तक वीडियो को थोड़ा रोकते हैं फ्रेंड अपलोड करते थे। तो फ्रेंड यहाँ पर ऊपर में आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है और नीचे में सिग्नेचर अपलोड करना है। फ्रेंड आपका फ़ोटो और सिग्नेचर मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, उससे अधिक का अगर रहेगा तो अपलोड नहीं होगा फ्रेंड। तो आप ध्यान देंगे 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए फ़ोटो और इमेज। अगर आपको नहीं पता कि फ़ोटो और इमेज 50 KB से कम कैसे बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड अब हम सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं मेरा अपलोड हो चुका है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं साइन अप के ऊपर। और ये देख सकते हैं फ्रेंड कंग्रेचुलेशन, ऊपर में मैसेज भी आ चुका है, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड शो हो जाएगा, तो आप नीचे में गो फॉर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। तो आप यूजर नेम और पासवर्ड को नोट कर लेंगे फ्रेंड, ताकि आप आगे लॉगिन कर सकें। तो चलिए हम सिंपल इसे नोट कर लेते हैं और सिंपल गो फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में फ्रेंड जो आप अभी यूजर नेम और पासवर्ड बनाए थे, सिंपल उसी को यहाँ पर ऊपर में यूजर नेम और नीचे में पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड फिल करने के बाद फ्रेंड सिंपल आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड ऊपर में देख सकते हैं आपका प्रोफाइल पिक्चर शो हो रहा होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ थर्ड नंबर पर एग्जामिनेशन फॉर्म देख सकते हैं फ्रेंड। तो सिंपल हम एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिंपल फ्रेंड हम एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर ही टाइप करना है, अलग में टाइप करेंगे तो ओपन, अलग में टाइप करेंगे तो ओपन नहीं होगा। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे थर्ड नंबर पर यूजी सेमेस्टर 1 और 3 एग्जामिनेशन फॉर्म, तो हम लोग के BA BSc BCom के लिए भरना है। तो सिंपल हम लोग UG सेमेस्टर 1 और 3 एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड। यहाँ पर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 दोनों के लिए है, तो जिन लोगों का सेमेस्टर 1 है वो 1 चूज करेंगे, और जिन लोगों के सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है वे सेमेस्टर 3 चूज करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो ऊपर में देख सकते हैं आप एग्जामिनेशन फॉर्म 2020, और यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स सेलेक्ट करना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और कोर्स में आप UG सेलेक्ट कर लेंगे UG। उसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करना है फ्रेंड। तो आपका अगर जो भी स्ट्रीम होगा आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर साइंस वोकेशनल है तो साइंस भी सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स वोकेशनल है तो आर्ट्स भी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका कॉमर्स वोकेशनल है तो कॉमर्स भी सेलेक्ट करेंगे, कॉमर्स ऑनर्स है तो एच सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स ऑनर्स है जैसे जियोग्राफी ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्टोरी ऑनर्स, साइंस जी जिनका जेनरिक है वो जनरल है वो साइंस जी सेलेक्ट करेंगे, और जिनका ऑनर्स है वो साइंस एच सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा साइंस ऑनर्स है, जैसे हो गया
बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जियोग्राफी जूलॉजी ऑनर्स ये सब, तो वो साइंस एच सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा ऑनर्स है तो मैं सिंपल साइंस एच सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि मेरा स्ट्रीम साइंस है। अगर आपका आर्ट्स है तो आप आर्ट्स एच सेलेक्ट करेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स एच सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, वोकेशनल है तो भी, ऑनर्स है तो एच, और जनरल है तो जी सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो मेरा साइंस एच है यानी साइंस ऑनर्स है, तो मैं सिंपल साइंस एच के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको सेमेस्टर या ईयर चूज करना है, तो जिस सेमेस्टर सेमेस्टर वन वाले सेमेस्टर वन चूज करेंगे और थ्री वाले थ्री, तो मैं सेमेस्टर थ्री चूज कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आपको स्टूडेंट टाइप सेलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट टाइप में रेगुलर या फिर एक्स रेगुलर स्टूडेंट, तो आप यदि क्लास वगैरह डेली करते होंगे तो आप रेगुलर भी ही होंगे, और अगर आप एडमिशन लेने समय रेगुलर में नहीं एडमिशन करवाए होंगे तो आप एक्स रेगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे अधिकांश बच्चों का रेगुलर ही होता है। तो चलिए हम रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर फ्रेंड रोल नंबर में आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही इंटर करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर एडमिट कार्ड पे मिला होगा, आपको क्लास का रोल नंबर नहीं इंटर करना है। तो चलिए हम इंटर कर देते हैं रोल नंबर। रोल नंबर इंटर करने के बाद फ्रेंड आपको नीचे में सिंपल सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और सर्च कर लेना है। तो ये सर्च हो रहा है फ्रेंड, वेट करेंगे, और ऊपर में देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल ओपन हो चुका है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और बाकी बहुत सारा चीज़ फिल हो चुका है फ्रेंड अपने आप ही। तो सिंपल आपको कुछ कुछ एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डिसिप्लिन ये सब फिल कर लेना है। तो चलिए फटाफट से हम फिल कर लेते हैं, और ऊपर में आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है, फिर उसके बाद कैटेगरी चूज करना है, नीचे आपका ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, सेशन सब आप सही से चेक कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, और यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर देना है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका परमानेंट एड्रेस, और कॉरस्पेंडिंग एड्रेस अगर सेम है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, नीचे अपने आप फिल हो जाएगा। और नीचे में आपका देख सकते हैं कॉलेज नेम, स्ट्रीम आ चुका है, पेपर 5, 6, 7 और जो आपका जेनरिक इलेक्टिव होगा वो सब सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, और नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन में कंसेंट सही का टिक लगाएंगे और क्लिक करके और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसे फिल कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड एक बार आप सही से मिला लेंगे अपना, ऊपर में आपका नेम शो हो रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, कास्ट कैटेगरी, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी अपने आप फिल होगा फ्रेंड, फ़ोन नंबर भी फिल होगा, सेशन भी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्लास रोल नंबर भी फिल होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी भरा ही होगा फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन ईयर भी और यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी, आपको एड्रेस में अपना विलेज का नाम, पोस्ट थाना दे देना है, पिन कोड अपना सही से टाइप करेंगे फ्रेंड, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, स्टेट चूज कर लेंगे, और आपका एक ही एड्रेस है यानी परमानेंट एड्रेस, और कॉरस्पॉन्डेशन एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप क्लिक कर लेंगे, अपने आप फिल हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद डिसिप्लिन स्ट्रीम सेक्शन, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है फ्रेंड, ये अपने आप फिल होगा, आप बस मिला लेंगे। और उसके बाद नीचे में आपको डिक्लेरेशन के ऊपर यहाँ पर चेक लगाना है और सिंपल वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो चलिए वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ कॉलेज, और यहाँ पर देख सकते हैं 350 रुपया पेमेंट करने के लिए आ चुका है। तो आप 350 रुपया आपके अपनी स्ट्रीम के अनुसार वहाँ पर कम भी शो करेगा, पर मेरा साइंस है और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 350 रुपया मुझे पे करना है प्रिंट। तो चलिए यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो सिंपल गो टू पे के ऊपर क्लिक करना है पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो चलिए क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरिंग पेमेंट प्लीज डू हिट रिफ्रेश और बैक बटन और क्लोज विंडो, सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट के लिए ओपन हो चुका है। तो आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से पे विथ पर क्लिक करके आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यहाँ पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। तो अगर आप अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग, जो भी आपका पेमेंट मेथड होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सिंपल अदर बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कार्ड नंबर, नेम, एक्सपायरी डेट और CVV इंटर करेंगे। तो चलिए इंटर कर देते हैं। अदर बैंक डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ सिंपल नीचे पे थ्रू के ऊपर क्लिक करना है और आपको जिस चीज़ का भी डेबिट कार्ड होगा, वीजा का होगा, मास्टर कार्ड होगा या फिर मेस्ट्रो कार्ड या रुपए कार्ड, आप अपने डेबिट कार्ड पर देख लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं मास्टर कार्ड। आपके पास जो चीज़ का कार्ड होगा आपके कार्ड में लिखा होगा। तो चलिए अब हम कार्ड नंबर, नेम और एक्सपायरी डेट CVV डाल के पे करते हैं। तो मैं सब कुछ इंटर कर दिया हूँ फ्रेंड। तो सिंपल कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिडायरेक्ट हो चुका है और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है फ्रेंड। तो चलिए हम OTP इंटर कर देते हैं। OTP इंटर करने के बाद सिंपल मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेमेंट नहीं हो पाया, यहाँ पर पेज कैन नॉट बी फाउंड, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा फ्रेंड, कुछ लेट हो गया था वीडियो बनाने के कारण यहाँ पर, जिसके कारण मैं फिर से पेमेंट करूँगा। तो चलिए इस प्रकार आप पेमेंट करके और प्रिंट डाउनलोड कर लेंगे, उसे आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे और किसी भी शॉप पर जाके उसे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं फ्रेंड। इस प्रकार पूरा फॉर्म आप बिल्कुल आसानी के साथ फिल कर सकते हैं, आगे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को और लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि और लोगों भी आसानी से फॉर्म भर सकें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।